ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को मिला कांग्रेस का साथ। आपको बता दें, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को कांग्रेस का साथ मिल गया है। कांग्रेस विधायक एवं सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने आज लघु सचिवालय नुहू में धरने पर बैठे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंचकर उन्हें समर्थन का भरोसा दिलाया है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने इस दौरान कांग्रेस विधायक आफताब अहमद को अपनी मांगों से जुड़ा हुआ एक ज्ञापन भी दिया है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों से मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायक व उपनेता आफताब अहमद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि यह हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारी सेवा में यह बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संगठित कर्मचारी है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गांव में ही ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने गांव में ही रोजगार मुहैया कराया था और तकरीबन 11,000 सफाई कर्मचारियों को नौकरी दी थी, लेकिन करीब 10 साल बीत जाने के बाद भी मौजूदा सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना। कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है, हम सफाई कर्मचारी आयोग बनाएंगे और उस आयोग में इन कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं, चाहे नौकरी पक्के की करने की बात हो, वेतन विसंगति की बात हो या फिर अन्य कोई भी संबंधित मांगे हो, उन मांगों पर पूरी तरीके से गौर किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। हमने उनकी मांग को समर्थन देते हुए हम विधानसभा सत्र में उठाते रहे हैं और आने वाले मानसून सत्र में भी मजबूती से उठाया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इनकी नौकरी को पक्का करने का और सफाई कर्मचारी आयोग बनाने का वायदा करेंगे ताकि इनको पूरा लाभ मिल सके और कर्मचारियों को पूरी तरह से संतुष्ट हो और यह अपना जीवन ज्ञापन कर सकें। कांग्रेस नेता आफताब अहमद ने कहा है कि सरकार कर्मचारी विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, खिलाड़ी विरोधी है, मजदूर विरोधी है और सफाई कर्मचारी विरोधी तो ही है ही। पहले भी 51 दिन की हड़ताल वर्ष 2023 में रही थी, उसके बावजूद भी सरकार से कोई हल नहीं निकला। आजकल तो यह सरकार झूठी घोषणाएं कर रही है, समाधान इनके पास नहीं है। पूरे हरियाणा में सफाई कर्मचारी वर्ग सड़कों पर है और आंदोलन कर रहा है। अपनी मांगों को जो इन्होंने वायदे किए थे उनको भी ये भूल गए हैं। ये हरियाणा के विकास के विरोधी हैं, अपनी सरकार भी विश्वसनीयता ये खो चुके हैं। कर्मचारियों को अब सरकार पर कोई यकीन नहीं रहा। आप देखें नुह मेवास से लियाकत अली रिपोर्ट। मंत्री जी आज सफाई कर्मचारियों से मिले हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है, क्या मामला था, क्या कहना है? देखो, ये हमारे समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और अपनी सेवा से ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को निभाते हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ थे के कर्मचारी हैं और मैं समझता हूं कि कांग्रेस की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ग्रामीणों में ही, ग्राम में ही, ग्रामीण जो क्षेत्र की सेवा करने के लिए, चाहे वो गांव की इकाई थी, पंचायत की इकाई थी, उसको सफाई कर्मचारी का जो है रोजगार हमारे गांव में मुहैया कराया था। और मैं समझता हूँ एक बड़ी भारी संख्या 11,000 सफाई कर्मचारी उस वक्त कर रहे थे। बहुत सी इनकी मांगे जो हैं आज के दिन, क्योंकि 10 साल हो गए हैं, उसके बाद 10 साल से ज़्यादा हो गया, आज के दिन उनकी ज़रूरत है। और सबसे प्रमुख जो मांग है, मैं समझता हूँ कि हमने एक फैसला लिया है कांग्रेस पार्टी ने कि हम सफाई कर्मचारी आयोग बनाएंगे और उस आयोग में जो भी इन कर्मचारियों की मांग है, चाहे वो नौकरी पक्की करने की मांग है, चाहे इनकी वेतन की मांग है, चाहे LTC की मांग है, या कर्मचारी की जो भी अपनी दिक्कत होती है, चाहे वो पोर्टल पे हाजिर लगने पर, सब चीज़ों को एक उनको रेगुलराइज करने के लिए, उनको पूर्ण तरीके से उनको जो है इस तरीके करने जिससे कर्मचारी को और इनको कोई परेशानी ना हो सफाई कर्मियों को, उसका कांग्रेस पार्टी ने वादा किया और हमने इनकी मांग को समर्थन करते हुए, जो चाहे इनको नौकरी पक्की करने की है, हम उसको विधानसभा सत्र में पहले भी उठा चुके हैं, अब मानसून सत्र आएगा अगर विधानसभा का तो उसमें भी उठाएंगे। और अपने जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो होगा, जो घोषणा पत्र होगा, हम उसमें इनकी नौकरी को पक्का करने का और सफाई कर्मचारी आयोग बनाने का, हम जो है पार्टी ने पहले ही फैसला ले रखा है कि हम इसको अमल में लाएंगे और इनको पूरा न्याय देंगे जिससे कि इनको अपनी सेवा
पूरा जो है लाभ मिल सके, उसको पूरी तरीके से इसको संतुष्टि हो सके और ये भी अपनी जीवन यापन सही तरीके से कर सके। इतने लंबे समय से इनकी मांगे हैं, सरकार को ना मानना क्या दर्शाता है? ये सरकार बिल्कुल जो है कर्मचारी विरोधी तो है ही है, इसके साथ साथ सबसे पहले ये किसान विरोधी, युवा विरोधी, खिलाड़ी विरोधी, जो है मजदूर विरोधी और सफाई कर्मचारी विरोधी तो है ही है। पहले भी 51 दिन की हड़ताल यहाँ रही थी 2023 में, जब भी इनसे किसी बात का हल नहीं निकला, और आज के दिन तो ये सरकार जो है ना झूठी घोषणाएं जरूर कर रही है लेकिन समाधान किसी भी नहीं का, क्योंकि आज पूरे हरियाणा पे कर्मचारी वर्ग, सभी कर्मचारी वर्ग आज सड़कों पे आंदोलन कर रहा है और अपनी मांगों को, क्योंकि जो इन्होंने वादे भी कर दिए वो वादे भी आज तक पूरे नहीं करे, और ये कर्मचारी विरोधी क्या, ये हरियाणा में विकास विरोधी और अपनी सरकार की विश्वसनीयता मैं समझता हूँ अब बिल्कुल भी नहीं रही लोगों को, और खास तौर पे कर्मचारियों का इनके ऊपर कोई यकीन नहीं रहा है। नाम है आपका? मेरा नाम मिथुन है। सफाई कर्मचारी आज धरने पर हैं, ज्ञापन भी दिया है, SDM को भी दिया था, आज यहाँ पे विधायक हैं, आप तब उनको दिया है, क्या कहना है? जी हमारी जो लगातार आप लोग देखते रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, लगातार ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघर्षरत है, उनमें सबसे जो मुख्य मांग है हमारी रेगुलर करने का जो मसला है, क्योंकि इतना लंबा टाइम होने के बाद 17 साल बीत जाने के बाद आज तक सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, तो ये हम मांग कर रहे हैं, मांग पत्रों के माध्यम से भी लगातार करते आए हैं कि भाई इन सफाई कर्मचारियों को जो गांव में लग रहे हैं इनकी सेवाएं भी रेगुलर की जाएं, ऐसा हम सरकार से मांग करते आ रहे हैं। दूसरा जो एक पोर्टल बनाकर ऑनलाइन अटेंडेंस लेने का इन्होंने प्रोग्राम सेट किया है, वो एक बेगार की प्रथा है और हम उसका खुला विरोध करते हैं, क्योंकि अटेंडेंस लेने का जो तरीका है, जो सलीखा है, उस तरह से लिया जाए एक कर्मचारी का जिस तरह से लिया जाता है। तीसरा जो ESIPF का जो मामला है, हमने कई बार ये उठाया, लोकल स्तर पर भी कहा, ESIPF में घोटाला इतना कर रखा है इन लोगों ने, किसी का जो मिसमैच आ रहा है जो अमाउंट है, 2020 अक्टूबर से कटना शुरू हुआ था हमारा, लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं डाला गया। किस किस को ज्ञापन दिया? आज हमने SDM साहब को ज्ञापन सौंपा है CM साहब के नाम, और अपनी मांग रखी है, उनमें लोकल स्तर की भी मांग है। अभी जैसे सरकार ने ये बजट जो है तनख्वाह का, ये सरकार इतनी घटिया सोच रखने वाली सरकार है, जो इनकी सैलरी का बजट रेगुलरली जो आ जाता है 1 या 2 तारीख में, वो उसको रोक दिया है इन लोगों ने। लेकिन हम ये आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, हमें कमज़ोर करने की आवश्यकता नहीं है, हम इतने सक्षम हैं, हम करनाल जाएंगे, सैलरी मिले मत मिले, 1 महीने बाद मिले, 2 महीने बाद मिले, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनकी मानसिकता को दर्शाता है ये कि हमारी सैलरी का बजट रोक लिया गया ये सरकार। विधायक को भी ज्ञापन दिया? हाँ जी, हमने कांग्रेस के विधायक हैं उनको अपना एक मांग पत्र सौंपा है, उनसे भी ये कहा गया है कि भाई आप लोगों की अगर सरकार आने वाले टाइम में आती है तो आप हमें पक्का करने का काम करें, नहीं तो हम जिस तरह से हमने अब मूड बना रखा है कि हम बीजेपी सरकार जिस तरह हमारी सुनाई नहीं कर रही, तो हम आपके साथ भी बिल्कुल खड़े नहीं होंगे।